तो दोस्तों सैमसंग बहुत ही जल्दी सैमसंग गैलेक्सी A50 का सक्सेसर A50s को लॉन्च करने वाला है, जो कि आएगा सैमसंग गैलेक्सी M40 जैसा ही पंच होल डिस्प्ले के साथ। लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा सुपर एमोलेड पैनल और उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिलने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और ट्रिपल रियर कैमरा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A50s के बारे में, क्या कुछ मिलने वाला है आपको इस फोन में, क्या होने वाला है इसका कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, कितने प्राइस में और कब तक ये फोन इंडिया में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से। तो यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी A50 जैसा ही डिजाइन मिलेगा, वही आपको ग्लास्टिक बॉडी मिलने वाला है जो कि ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आएगा, और उसके साथ ही ट्रिपल रियर कैमरा भी मिलने वाला है। और अगर बात करें इसकी फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको 6.4 इंच का इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलेगा, यानी कि पंच होल डिस्प्ले मिलेगा जो कि सुपर एमोलेड पैनल होगा, और उसके साथ ही यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सिनोस 9611 का SoC, और उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिलने वाला है एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट जो कि One UI के साथ आने वाला है। और यहाँ पे आपको मिलेगा 2 RAM वेरिएंट 664 GB और 6 128 GB। अब बात कर लेते हैं इसकी कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे आपको रियर साइड में मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा जिसका मेन सेंसर होगा 32 MP का, और उसके साथ ही 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 MP का एक डेप्थ सेंसिंग सेंसर मिलने वाला है। और अगर बात करें इसकी फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको सेल्फी के लिए 25 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा जो कि आपको पंच होल डिस्प्ले के अंदर ही मिलने वाला है। और अब आते हैं इसके बैटरी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 4000 mAh का बैटरी जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला है, और यहाँ पे 15 वाट का फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा, और उसके साथ ही यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट और 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों इसका स्टार्टिंग प्राइस यानी कि 664 GB वाला मॉडल मिलने वाला है 23,000 से 25,000 के बीच में। तो दोस्तों अगर ये फ़ोन 25,000 तक भी आता है तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाला है पंच होल डिस्प्ले जो कि सुपर एमोलेड पैनल के साथ आने वाला है, जो कि अभी तक इस प्राइस सेगमेंट में किसी भी कंपनी ने हमें नहीं दिया है। और उसके साथ ही यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और ट्रिपल रियर कैमरा भी मिलने वाला है। तो दोस्तों देखा जाए तो ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज होने वाला है, और ये सही में एक सक्सेसर होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A50 का। और अगर बात करें इसकी लॉन्च डेट के बारे में, तो ये फ़ोन अगस्त महीने के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक को लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या कुछ लीक्स निकल के आते हैं इसके रिगार्डिंग। तो यही था सैमसंग गैलेक्सी A50s के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए।